हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो काफ़ी हद तक बॉडी को लाइट करता है और क्लीन भी करता है। इस वीडियो में मैं एक बॉडी लाइटनिंग स्क्रब और एक बॉडी लाइटनिंग पैक के बारे में बताऊंगी। सो देखते हैं स्क्रबर बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक बाउल में 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच रॉ मिल्क यूज़ किया है यानी कच्चा दूध। इन सब को लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं इतना ही थिकनेस रखें। इस बॉडी स्क्रबर को अपने बॉडी पे लगाइए। देखिए मैं आपको अपने हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक अपने बॉडी पे रब कीजिए सर्कुलर मोशन में। फिर इसे आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए और इसे पोंछ लीजिए। अब मैं बताऊंगी बॉडी लाइटनिंग पैक के बारे में। सो, यहाँ पे मैंने मसूर दाल को आधा घंटा के लिए पानी में भिगा कर रखा है। इसका पानी निकाल कर एक ब्लेंडिंग जार में लीजिए और इसमें 3 से 4 चम्मच रॉ मिल्क ऐड कर लीजिए। इन सब का एक फाइन पेस्ट बनाना है। लीजिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे एक बाउल में निकालिए और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच एलोवेरा और 1 पिंच हल्दी, इन सब को डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लीजिए, हमारा बॉडी पैक बनके तैयार हो गया है। इसे अपने बॉडी पे लगाइए। यहाँ पे मैंने ब्रश का यूज किया है, आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। इसका एक थिक लेयर अपने बॉडी पे लगाइए। इसे आप 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। इस पैक को आप सप्ताह में 2 से 3 बार यूज कीजिए, फर्क नजर आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।